इस प्रोडक्ट की सेल दिन ब दिन बढ़ रही है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह महीने का 1.5 लाख रुपया कमा रहा हूँ इस प्रोडक्ट से, और दिन ब दिन ये काम माशाल्लाह बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा। ये माल हम जितना भी बना रहे हैं, मार्केट की डिमांड हमसे पूरी नहीं हो रही। ऐसी है जिसकी डिमांड दिन ब दिन बढ़ रही है और बहुत ज़्यादा इसकी सेल है। हर आदमी को पता है, अब हर घर में 2 से 3 बाइक्स हैं, 2 से 3 नहीं तो 1 बाइक तो हर घर में है। तो जाहिर है बाइक जब चलती है तो फिर उसका काम भी निकलता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा इसकी जो है ना डिमांड बहुत ज़्यादा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसिम फैज़, आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। और यहाँ पे आपको बताया जाएगा कि बाइक्स के जो शाख हैं इनकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे की जाती है और इनकी मैन्युफैक्चरिंग करके बंदा महाना कितना अर्न कर सकता है, कितना अर्न कर सकता है, कैसे अर्न कर सकता है, किस तरह से इसको बनाया जाता है, तमाम तरह मालूमात हमारे साथ ये भाई मौजूद हैं, ये आपको बताएंगे। ये इनके वाले साहब पिछले 15-20 सालों से ये काम कर रहे हैं, अब ये कर रहे हैं, इनको इस काम में कितना मज़ा आया और ये तमाम तरह मालूमात यही आपके साथ शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम भाईजान, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, नाज़रीन को अपना तारफ करवाइएगा। जी, मेरा नाम सुबहान है। अच्छा, 15 साल से आप ये काम कर रहे हैं, आप कर रहे हैं या आपके वाले साहब कर रहे हैं? पहले वाले साहब करते थे लेकिन अभी भी वो साथ ही हैं, लेकिन अभी तकरीबन सारा काम मैं नहीं संभालूंगा। अच्छा, क्या समझते हैं आपके ये शाख जो है, इस प्रोडक्ट, ये वो प्रोडक्ट है? अगर 15 साल पीछे चले जाएं तब बाइक्स बहुत कम थी, अब तो बाइक्स जो है वो बेशुमार हो गई हैं। अब में और पिछले जो जब आपके वाले साहब ने स्टार्ट किया था, कितना फ़र्क आया इस काम में? सर, बहुत ज़्यादा फ़र्क था। जब स्टार्ट किया था तब तकरीबन 5-10 सेट रोज़ के बनाने, फिर बाइक पे रख के मार्केट में जा कर सेल करने, तो बहुत मुश्किल था ये काम करना। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ का तकरीबन 100-150 सेट बन रहा है और मार्केट में जा रहा है, मतलब सेल हो रहा है। बहुत फ़र्क है पहले और आपकी सेल में। माशाल्लाह, यानी स्टार्ट पे 4-5 सेट, और अब माशाल्लाह जो है 100-150 सेट रोज़ का सेल हो रहा है, माशाल्लाह। अच्छा, ये बताएं कि 100-150 सेट बनाने के लिए कितना टाइम लगता है? बनाने के लिए एक दिन में 2 लड़के हो ना तो इजीली बना सकते हैं 100 सेट। 8 घंटे काम करें या 10 घंटे काम? तकरीबन 10-12 घंटे। 10-12 घंटे जी। अच्छा, ये बताएं कि आपने ये जो 100-150 सेट बना रहे हैं डेली का आप सेल भी कह रहे हैं कि हो जाता है इजीली। बिल्कुल। अच्छा, इस सारे सेटअप को लगाने के लिए जो आपकी मशीनें जो लगी हुई हैं, कितनी अर्निंग इनसे बंदा कर सकता है और कितनी इन्वेस्टमेंट हो तो ये काम शुरू किया जा सकता है? जी, असल में इसमें ना ये शाख बनाने वाले तो बहुत हैं जी जी, लेकिन इस तरह मशीनरी बहुत कम लोगों ने लगाई है जी जी। लोग स्टार्ट 2-3-4-5 लाख से स्टार्ट करते हैं, लेकिन अगर आप अच्छा सेटअप चलाना चाहते हैं तो कम अज़ कम भी आपको 40-50 लाख की ज़रूरत है। यानी अगर बंदे के पास 40-50 लाख इन्वेस्ट कर लेता है तो ये तो ऐसी प्रोडक्ट है जो सेल होगी ही होगी और दिन ब दिन इसकी डिमांड बढ़ भी रही है। बिल्कुल। अच्छा, ये बताएं 40-50 लगा के तो बंदा महाना अर्न कितना कर सकता है? तकरीबन बंदा 1.5 लाख रुपया महीना जो है ना कमा सकता है, खर्चे वगैरह निकाल के। ठीक है, अगर तो रोज डेली का 100 सेट बनता है तो ठीक है। यानी अगर बंदा अपना कारोबार करे तो महाना जो है वो 1 से 1.5 लाख इजीली कमा सकता है। वैसे अगर जितनी ज़्यादा सेल होगी उतनी ज़्यादा प्रॉफिट है, अगर 200 सेट सेल हो रहा है या 300 सेट हो रहा है उतनी प्रॉफिट भी ज़्यादा है, माशाल्लाह। ये तो सेल के हिसाब से है। यानी अगर जितनी आप मेहनत करेंगे उतना इससे आप जो है वो कमा सकते हैं। अच्छा, ये बताएं, आप बता रहे थे कि जब आपके वाले साहब ने शुरू किया था तब हाथ से बना रहे थे, मैनुअली बना रहे थे। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, तो तब सेल करना भी मुश्किल काम था जी। तो अब जो है, अब क्या तरीका कार आपका? अब असल में थोड़ा सा जदीद दौर आ गया, मशीनरी का दौर आ गया। पहले जो है वो हाथ से सारे काम होते थे, खासतौर पाकिस्तान में जी जी। अब मशीनरी का दौर है तो, लेकिन अगर तब में और सेल भी बहुत कम थी, 5-10 सेट बनाने में इतना टाइम नहीं लगता था, मतलब कि प्रोडक्शन ज़्यादा चाहिए और ज़ाहिर है मशीनरी होगी तो प्रोडक्शन होगी, हाथ से प्रोडक्शन नहीं निकलती इसकी। ठीक है। अच्छा सुभान भाई, बताइएगा कि इस तरह का सेटअप 40-50 लाख लगाना हर बंदे के बस की बात नहीं है जी। आपसे अगर कोई, ये आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, शाख बना रहे हैं, ये लेके आगे जैसे होलसेल पे काम हो रहा है, तो बड़ी दुकानें काम कर रही हैं, आपसे लेता है तो आप मिनिमम जो है वो कितना का ऑर्डर हो तो वो आप देते हैं? ये कम अज़ कम भी कुछ 100-150 सेट का ऑर्डर हो तो फिर, क्योंकि हमारा होलसेल का काम है, 1-2 सेट का काम नहीं है जी। तो जैसे होता है ना, गाहक आता है कि यार 2 सेट दे दो या 3 सेट दे दो, तो वो काम नहीं है हमारा, मार्केट के साथ काम है और होलसेल का ही काम है। ठीक है, यानी आपका होलसेल का काम है 100-150 सेट जो है
मतलब इससे ऊपर इससे नीचे नहीं, इससे नीचे नहीं। अच्छा, सिर्फ आप लाहौर में ही प्रोवाइड करेंगे या पूरे पाकिस्तान में? पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में जा भी रहा है, कराची में, उसके बाद हैदराबाद, मतलब कि मंडी, बहावलपुर, हर पाकिस्तान के हर शहर में जा रहा है माल। सर देखें, शाख इसकी फिटिंग करना, इसको बनाना, इसकी क्वालिटीज़ भी होती हैं या फिर सभी शाख जो है वो एक ही जैसे होते हैं? क्वालिटीज़ होती हैं इसमें, बहुत ज़्यादा होती हैं। इसमें एक जेन्युइन वाला होता है, वो जो बाइक के साथ लग के आता है, उसका रेट डिफरेंट है। और उसके बाद दूसरा जो आम, उससे नीचे लो दो क्वालिटियाँ हैं, दो क्वालिटी समझ लें कि उसको मीडियम क्वालिटी कह लें, और एक लो क्वालिटी है, ठीक है। तो इसमें दो तीन क्वालिटी हैं शॉप। आप तीनों किस्म के बना रहे हैं या फिर आपकी कितनी किस्म वो के? हम जिस तरह की डिमांड होती है उस तरह का शॉप बना रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अगर बोले ना कि जेन्युइन चाहिए, हमें जेन्युइन मटेरियल सारा लगा हो, तो वो भी बना देते हैं, लेकिन उसका रेट का डिफरेंट काफ़ी होता है, ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि एक जैसे ये एक शॉख है, इसको बनाने में कितना टाइम लगेगा? तकरीबन 4 से 5 मिनट। 4 से 5 वो ऐसे है ना कि अगर हम 100 सेट इकट्ठा बनाते हैं ना, फिर हमें टाइम कम लगता है, ठीक है। एक दो सेट बनाने में टाइम ज़्यादा लगता है, तो सारी मशीनरी की सेटिंग वगैरह करनी, तो फिर वो टाइम ज़्यादा लग जाए, एक सेट पर ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि आपने ये जो सारा आप वर्किंग कर रहे हैं, आप इससे मुतमिन हैं, आपके वाले साहब कर रहे हैं, आप इसको अभी आपको पता है जिस तरह के हालात पाकिस्तान के चल रहे हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ वो बंद हुई हैं, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है, अल्लाह ताला रोजी दे रहा है, ठीक है। लास्ट पे इस कारोबार के हवाले से आपको पैगाम देना चाहें? कारोबार अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन है, लेकिन यह है कि इसमें थोड़ा सा टाइम चाहिए। ज़ाहिर है कोई भी बंदा काम करता है, शुरू करता है, तो स्टार्टिंग में तो फिर ऐसे ही है ना, थोड़ा बहुत चलता है, फिर आस्ता आस्ता इंसान बढ़ता जाता है, काम उसका बढ़ता जाता है। यानी कि कोई भी काम है वो शुरू स्टार्टिंग में फिर बंदा थोड़ा सा परेशान होता है, लेकिन ये कि वक्त के साथ साथ इंसान फिर हो जाता है। यानी कि आपको पहले अपनी मार्केट डेवलप करना पड़ेगी, तो फिर जाके आप माल, अब अभी तो नहीं आप सेल करने के लिए आते, अभी तो लोग ले जाते हैं, अभी तो लोग ले जाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। स्टार्टिंग में होता है कि सैंपल लेके जाओ मार्केट में, मार्केटिंग करो, दुकानदारों के पास जाओ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब तो एक समझ लेके नाम चल गया हुआ है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब कोई परेशानी नहीं है। ज़ाहिर है एक टाइम लगा हुआ है, 15 साल बहुत टाइम होता है। जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है अल्लाह का। जी ठीक है, सुभान भाई बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। अल्लाह हाफिज़।